गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एपीएन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी स्टडी अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप एंड वी आल्सो स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट फोर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड नाउ वी स्टडी अवर फिफ्थ टाइप्स ऑफ पार्टनर इज पार्टनर्स बाय स्टॉपल। फिफ्थ टाइप है पार्टनर्स बाय स्टॉपल। देखो, पार्टनर्स बाय स्टॉपल मीन्स क्या होता है। अभी अपने फोर टाइप्स को स्टडी कर लिया था, जिसमें एक्टिव पार्टनर था, अपना एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, और स्लीपिंग पार्टनर जो अपने हैं, नॉमिनल पार्टनर है, ठीक है, उनको अपन ने फोर टाइप्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। अब जो फिफ्थ जो टाइप्स है वो है पार्टनर्स बाय स्टॉपल। देखो, पार्टनर्स बाय स्टॉपल का मीन्स क्या होता है भाई। देखो, पार्टनर्स बाय स्टॉपल का मीन क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं, मतलब कुछ इस टाइप के पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं भाई, इस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, बिहेविंग जस्ट लाइक एज ए पार्टनर, ठीक है, मतलब इस तरह से वो क्या करेंगे, बिहेव करेंगे कि उनका नेचर या उनका जो बिहेवियर होगा वो ये शो करेगा कि वो फर्म के क्या है ऑलरेडी वो। या जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन ऐसे इस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर या उनका जो उनकी जो एक्टिविटी होगी वो ये शो करेगी कि वो फर्म का क्या है पार्टनर है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कुछ पर्सन इस तरह से अपने आप को शो करते हैं या इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं कि वो क्या है फर्म के पार्टनर है, ठीक है, उनके बिहेवियर से क्या होता है ये शो होता है, ठीक है, वो बिहेवियर एंड नेचर से क्या होगा ये प्रेजेंट होगा कि वो इस फर्म के क्या होंगे पार्टनर है, ठीक है। और ये क्या होते हैं जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, चाहे वो ये जो पर्सन होते हैं कौन से पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है, पार्टनर बाय जो स्टॉपल है वो क्या करते हैं एक तरह से इस तरह से प्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं कि वो क्या होते हैं एक फर्म के क्या है पार्टनर है, उस फर्म के क्या है पार्टनर है, ठीक है, उनका बिहेवियर उनका जो उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो ये शो करती है कि वो उस फर्म के क्या है पार्टनर है, ठीक है। और ये क्या होते हैं थर्ड पर्सन के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है। फिर आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये क्या करते हैं रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर, ठीक है, ये जो होते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है, ये तो इनका तो इनकी जो एक्टिविटी होती है इनका जो नेचर होता है वो तो ये प्रेजेंट वो तो मतलब ऑटोमेटिकली वो अपना एक बेसिक एक्टिविटी करते हैं उससे क्या होता है शो होता है, बट ये क्या करते हैं अपने आप को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, एक तरह से रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर, ठीक है, वो तो उनके बिहेवियर से शो हो जाता है बट ये क्या करते हैं अपने आप को एज ए पार्टनर क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट इनमें डिफरेंस क्या होता है भी? ये तो अपने बिहेवियर से क्या होंगे शो होंगे, ठीक है, इनका बिहेवियर है इनका नेचर इनके वर्क के अकॉर्डिंग क्या होगा ये शो होगा कि ये फर्म के क्या पार्टनर है, बट जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है ये अपने आप को क्या करते हैं एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ थर्ड पर्सन के सामने क्या करते हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज ए पार्टनर, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं इनको अपन बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ठीक है, ये थर्ड पर्सन के लिए, चाहे इन्होंने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट या अगर फर्म में अगर इन्होंने कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं की हो, ठीक है, या अदर रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो भी ये क्या होंगे भी थर्ड पर्सन के लिए क्या होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन को अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉस हुआ है या थर्ड पर्सन ने उनके बेसिस पे अगर कोई प्रोडक्ट या पार्टनरशिप से कोई कॉन्टेक्ट किया है तो उसके लिए वो क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे दो पार्टनर है, ठीक है, ए बी दो पार्टनर है और एक थर्ड पार्टनर कौन हो गया होल्डिंग आउट, ठीक है, अब वो ये शो कर रहा है कि मैं भी इस फर्म का ही क्या हूँ पार्टनर हूँ, ठीक है, और आप ना इस फर्म से ट्रांजेक्शन कर लीजिए उसके लिए, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है, तो उस अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉस हुआ तो उसके लिए वो थर्ड पार्टी के लिए वो क्या होगा रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, कौन होगा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो ये तो अपने नेचर बिहेवियर एंड वर्क से क्या करेगा प्रेजेंट करेगा कि वो पार्टनर है, और ये क्या करता है अभी प्रेजेंटेड एज ए पार्टनर अपने आप को ही क्या करता है ये सेल एक तरह से बोलने का मतलब बोलते हैं ना अपन जैसे जानबूझकर, ठीक
ठीक है, ये क्या करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं इसका पार्टनर हूँ, इस फर्म का पार्टनर हूँ, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो ये क्या थे अपने सिक्स टाइप थे, सिक्स टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फोर टाइप्स को आपको ऑलरेडी स्टडी कर लिया है और ये फोर टू टाइप्स आपको बताए। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। ये जो थे ये तो थे टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप को अपन क्या करते हैं, टू बेसिस पे क्या करते हैं, पार्टनरशिप इज डिवाइडेड ऑन द टू बेसिस, मतलब टू बेसिस पे अपन क्या करते हैं पार्टनरशिप को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है वो है ड्यूरेशन बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एंड सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी बेसिस पे अपन क्या करेंगे पार्टनरशिप को डिवाइड करेंगे, ड्यूरेशन एंड पार्टनरशिप बेसिस पे क्या करेंगे इसको, ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी बेसिस पे अपन क्या करेंगे पार्टनरशिप को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट स्टडी अपन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। देखो पार्टनरशिप को अपन ने टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट तो किया है ड्यूरेशन बेसिस पे एंड सेकेंड है लाइबिलिटी बेसिस पे। तो फर्स्टली अपन देखेंगे ड्यूरेशन बेसिस पे, तो ड्यूरेशन बेसिस पे भी अपन ने इनको टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। कौन सा है, फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, एट विल का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, मतलब क्या है इसमें, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या हुआ कि इसको क्या कर सकते हैं जो भी पार्टनर है वो क्या कर सकते हैं, इस पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, इजीली स्टार्ट कर सकते हैं एंड, ठीक है। और अगर किसी भी पार्टनर को क्या करना है, पार्टनरशिप को क्लोज करना है या पार्टनरशिप का एंड करना है, तो वो नोटिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक नोटिस के थ्रू, जैसे मान लो टू पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है। ए पार्टनर क्या कर रहा है अभी, ये दोनों क्या कर सकते हैं, इजीली अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर इनको एंड करना है, ए को एंड करना है, तो ए क्या करेगा, एक नोटिस देगा और नोटिस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, वो पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपनी इच्छा पर, तो अपनी इच्छा होगी तो पार्टनरशिप स्टार्ट करो और अपनी इच्छा से आप उसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब कि पार्टनर जो है वो अपने एट विल पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं एंड बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को का एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी पार्टनरशिप होगी, वो होगी पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। एंड सेकेंड होगा अपना, सेकेंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये क्या होता है, कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या होती है पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जैसे टू पार्टनर है, ए और बी पार्टनर्स है, इन्होंने पार्टनरशिप की कि हमें क्या करना है, एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग प्रिपेयर करनी, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, या एक मान लो कि एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, ठीक है। या कोई और भी कोई टारगेट हो सकता है जैसे, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या होता है, अगर कोई पार्टनरशिप स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कोई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, तो उस पार्टनरशिप को अपन क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होगी, जो एक स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या होगी, जो पार्टनरशिप होगी वो कौन सी पार्टनरशिप होगी, उसको अपन बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। ये क्या होगी, स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए पार्टनरशिप होगी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। ये क्या होती है, अपनी पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, ठीक है। ये किसके लिए होती है, एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, ठीक है। इसमें जैसे ही वो स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक बिल्डिंग के लिए क्या किया, पार्टनरशिप स्टार्ट की, तो जैसे ही वो बिल्डिंग क्या होगी, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव या जिस पर्पस के लिए आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, वो पर्पस जैसे ही फिनिश होगा, ठीक है, जैसे ही वो बिल्डिंग फिनिश हो जाएगी, मतलब बनकर रेडी हो जाएगी, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पर्पस के लिए आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की है, वो पर्पस जैसे ही कंप्लीट होगा, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का भी क्या होगा, एंड होगा। या जितने टाइम के लिए आपने, मान लो कि 1 ईयर के लिए आपने पार्टनरशिप की है, तो
ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप का एंड होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिस पर्पस के लिए या जिस टाइम के लिए आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की है, वो पर्पस और टाइम जैसे ही फिनिश होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप का एंड होगा। ठीक है, तो वो कौन सी पार्टनरशिप होती है, वो होती है अपनी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, एक तो होगी अपनी पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, इसमें तो क्या होता है, पार्टनर्स एट विल क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे एंड थ्रू नोटिस, नोटिस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप का एंड कर सकते हैं। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए अपन क्या करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो पर्पस या टाइम क्या होता है, फिनिश होता है, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, तो ये क्या थे अपने ड्यूरेशन बेसिस पे। ठीक है, एंड सेकेंड है वो है, वो है अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज बेसिस पे। देखो, लाइबिलिटी बेसिस पे क्या किया है, पार्टनरशिप को 2 पार्ट्स में अपन ने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो होती है अपनी जनरल पार्टनरशिप और सेकेंड होती है अपनी लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो, जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, एक तो जनरल पार्टनरशिप है और एक लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, ठीक है, इन जनरल पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, जनरल पार्टनरशिप में जितने भी ओवरऑल पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन दिस पार्टनरशिप। ठीक है, इन जनरल पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होंगी। ठीक है, और जितने भी ओवरऑल वर्क होंगे, ठीक है, उनके लिए वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, और प्रॉफिट होगा वो उनमें क्या होगा, एक तरह से ऑन द डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू द रेशियो, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनमें प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, इसमें जनरल पार्टनरशिप में क्या होगा, जितने भी ओवरऑल पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, और जितने भी ओवरऑल वर्क है उनके लिए वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिवाइडेशन होगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो। ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रॉफिट का डिवाइडेशन एंड लॉस का डिवाइडेशन होगा। ठीक है, तो वो होती है अपनी जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, जनरल पार्टनरशिप में ओवरऑल पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी अपनी जनरल पार्टनरशिप। अब क्या आता है अपना, नेक्स्ट आती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, अभी इसमें मिनिमम 1 पार्टनर्स जो है, 1 पार्टनर की लाइबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड, एंड अदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। ठीक है, 1 पार्टनर जो है उसकी लाइबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड, एंड अदर पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। ठीक है, ये क्या होती है अपनी लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अभी हर जो भी लिमिटेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, लिमिटेड पार्टनर्स की जो इनमें क्या होगा, जैसे मान लो सपोज दैट कि ए बी सी एंड डी, इफ 4 पार्टनर है तो 1 पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड, एंड जो अदर पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, और वो जो पार्टनर है, ठीक है, उनमें से अगर किसी भी ये जो पार्टनरशिप थी कौन सी, जनरल पार्टनरशिप, इस ये पार्टनरशिप अगर किसी पार्टनर की क्या होगी भी, डेथ हो जाती है, जनरल पार्टनरशिप की बता रहा हूँ, कि जनरल पार्टनरशिप में अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर की अगर डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप का एंड हो जाता है। ठीक है, बट इन्हें लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर लिमिटेड जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अगर उनकी डेथ हो गई, लिमिटेड किन की है, ए बी एंड बी सी डी, ठीक है, इनकी क्या है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, और इसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अगर जो लिमिटेड पार्टनर्स है अगर उनकी क्या होगी, डेथ हो गई या उनको वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनरशिप का एंड नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड पार्टनर्स की अगर डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनरशिप का एंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अगर अनलिमिटेड पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पार्टनरशिप का एंड होगा। ठीक है, इसमें तो जनरल पार्टनरशिप में तो क्या होता है,
ये जितने भी पार्टनर हैं, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप का एंड होगा। बट इन्हें लिमिटेड पार्टनरशिप, जो लिमिटेड पार्टनर, जिन जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है, अगर उनकी डेथ होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनरशिप का एंड नहीं होगा। लिमिटेड लाइबिलिटीज की डेथ की कंडीशन में एंड नहीं होगा, अनलिमिटेड में होगा। ठीक है,